हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4.6 को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम पूरा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझना है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड लेस आर इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, सबसे पहले वेक्टर में हमें एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब कभी हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने ए वेक्टर लिखा, इट इज वेक्टर ए। ओके, और ये ओ से ए तक कोई वेक्टर है तो इसका लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ओके, मतलब अगर हम लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू ओ ए, ओके, अगर हम लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हमने यहाँ पर एक बी वेक्टर बना लिया, ये बी वेक्टर बना लिया। ओके, ये है बी वेक्टर, इसको ओ बी से डिनोट किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ओ बी, इट इज लेंथ ओ बी। ओके, इन दोनों को ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी विल गेट अनादर रिजल्टेंट वेक्टर विच इज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द डायगोनल। सो दिस डायगोनल ओ सी इज ए प्लस बी वेक्टर। ओके, मतलब कि अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें सो इट इज इक्वल टू लेंथ ओ सी, है ना, ये लेंथ ओ सी के बराबर होगा। अब हमको यहाँ पर ये बात पता है कि ये जो ए सी है ये ओ बी के पैरेलल है, मतलब कि ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, है ना, बिल्कुल डिक्टो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी एक जैसी है, है ना। तो हम इस ए सी के मैग्नीट्यूड को, ए सी के मैग्नीट्यूड को, है ना, हम ओ बी के बराबर लिख सकते हैं, है ना। अब हमको पता है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम, मतलब कि ओ ए प्लस ए सी हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से ओ सी से। यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ सी ए में ओ सी ये वाला साइड का सम जो होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओ ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू ओ सी, ओ सी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, मतलब कि बहुत इजीली हम ये फर्स्ट पार्ट डिराइव कर सकते हैं। ओके, बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमको गिवन है ए प्लस बी, है ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, वापस से हम ड्रॉ करेंगे ओ ए, ओके, इट इज़ ए वेक्टर, और ओ बी, ओके, इट इज़ बी वेक्टर, बी वेक्टर, ओ बी। और यहाँ पर ए प्लस बी, अब ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ए